तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू एमजी पिक्चर्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको प्रॉपरली इस टाइप की फ़ोटो एडिट करनी है अपने मोबाइल से। और ये फोटो मैंने अपने मोबाइल से क्लिक की। अगर आपको मोबाइल से फ़ोटोशूट करना नहीं आता है अच्छी तरीके से, तो आप इस चैनल पर जो रिसेंटली वीडियो है वो जाके देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको मोबाइल से 5 क्रिएटिव फ़ोटोशूट करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली इस टाइप की फ़ोटो एडिट करके बताने वाला हूँ कैसे आपको PNG वगैरह लगानी है एंड कैसे लाइटरूम में इस फोटो की कलर ग्रेडिंग करनी है। तो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे मोबाइल फोटोग्राफी से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेगी। तो सिंपली हम इस वाली फ़ोटो को एडिट करेंगे। तो इसके लिए हम इस फोटो को शेयर करते हैं यहाँ से अपने पिकार्ट ऐप के अंदर। तो गाइस, पिकार्ट के अंदर हमारी फोटो यहाँ पे आ चुकी है। सबसे पहले हम अपनी फोटो को इंस्टाग्राम के लिए क्रॉप कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं अपनी फोटो को। सबसे पहले यहाँ से पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से डन कर देंगे। ठीक है गाइस, अब आपको चलना है सिंपली ऐड फोटो पे एंड आपको एक PNG का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये रही हमारी PNG, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। इसको अपने पूरे फोटो के बराबर इस टाइप से कर लेना है। ठीक है गाइस, एंड ये क्यू थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इसके लिए हम इसको इरेज कर लेंगे यहाँ से। काफी सही लग रहा है ये, एंड यहां से डन कर देंगे हम इसको। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम इन वाले वर्ड को ब्लर करेंगे हल्का सा। तो इसके लिए हम यहां पे चलते हैं एंड यहां से ये वाला ब्लर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इसकी रेंज को हम रखेंगे लगभग यहां पे। तो यहाँ पे हमारा फोटो सही लग रहा है, तो यहाँ से हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ से हम अपने वर्ड के ऊपर ही रखेंगे इस ब्लर को, इस टाइप से रब करके इसको ब्लर कर लेते हैं। तो सही लग रहा है ये काफी हल्का सा, और इसको कम करेंगे हम एंड यहाँ से डन कर देंगे। तो गाइस, पिकार्ट का काम हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है। अब हम अपनी फोटो कलर ग्रेडिंग करेंगे, तो इसके लिए हम लाइटरूम ऐप का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ टूल पे चल के अपनी फोटो को सेव कर लेते हैं अपनी गैलरी के अंदर। सिंपली यहाँ से सेव कर देंगे। तो गाइस, गैलरी के अंदर हमारी फोटो ये यहाँ पे आ चुकी है। इसको हम यहाँ से शेयर कर लेते हैं अपने लाइटरूम ऐप के अंदर। तो यहाँ पे हम लाइटरूम के अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ से चलते हैं हम ऑल फोटो में एंड सबसे ऊपर हमारी फोटो यहाँ पे आ चुकी है। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, फोटो हमारी ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हम इसमें लाइट की करेक्शन करेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं लाइट्स पे एंड हल्के से एक्सपोजर को बढ़ा लेते हैं, तो इतना रखेंगे हम एंड कॉन्ट्रास्ट को हम कम करेंगे हल्का सा। ठीक है गाइस, एंड हाइलाइट्स को भी हल्का सा कम करेंगे, शेडोज को हम यहाँ से बढ़ा लेंगे एंड यहाँ से वाइट को भी बढ़ा लेते हैं और ब्लैक को हम रखेंगे हल्का सा कम। तो इस टाइप से आपको भी कर लेना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ से हम ओनली वाइब्रेंस को बढ़ा लेंगे, ताकि हमारी फोटो में जो कलर वगैरह है वो वापस से आ जाए। तो काफ़ी सही लग रहा है ये। उसके बाद आपको ऊपर मिक्स में चलना है एंड यहाँ से फर्स्ट वाले कलर की लुमिनेस को बढ़ा लेना है एंड सेकंड कलर की लुमिनेस को भी हम बढ़ा लेते हैं, तो इससे हमारा फेस काफ़ी अच्छा ब्राइट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इतना रखेंगे हम इसको। और जो हमारा येल्लो कलर है, इसके हब को हम हल्का सा कम करेंगे एंड इसके सेचुरेशन को भी हल्का सा कम करेंगे। सही है। उसके बाद इस वाले कलर में आपको कुछ भी नहीं करना है एंड जो हमारा स्काई का कलर है, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको जैसा है वैसा रहने देना है। अब हम ब्लू कलर के हब को कम कर लेंगे
इससे हमारा स्काई का कलर काफ़ी सही लग रहा है एंड काफ़ी अच्छी टोन आ रही है इससे। यहाँ से हम इसकी सेचुरेशन को भी बढ़ा लेते हैं एंड लुमिनस को भी बढ़ा लेते हैं, तो काफ़ी सही लग रहा है ये। एंड यही कलर है हमारी फ़ोटो में, तो इसको भी यहाँ से डन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ से इसकी क्लेरिटी को बढ़ा लेते हैं ताकि फ़ोटो हमारी हल्की सी HD हो जाए। उसके बाद ऊपर चलते हैं स्लिप टोन में एंड यहाँ से अपनी फ़ोटो को एक टोन देते हैं, तो जो हमारा स्काई का कलर है वो कलर काफ़ी सही है, तो वही टोन देंगे हम अपनी फ़ोटो को। तो इसके लिए हम हाइलाइट्स का कलर ये वाला सिलेक्ट करेंगे इस टाइप से, तो हल्का सा कम रखेंगे इसको। एंड जो हमारा शेडोज़ का कलर है वो भी हम यही वाला सिलेक्ट करेंगे, ब्लू कलर। इसकी सैचुरेशन को हम इतना रखेंगे एंड इसकी सैचुरेशन को भी कम कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा है ये एंड यहाँ से डन कर लेते हैं। यहाँ से हम हल्का सा विनियट लुक भी डाल लेते हैं अपनी फ़ोटो में, तो इससे काफ़ी अच्छा लुक आएगा हमारी फ़ोटो में। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ से इसकी शार्पनेस को बढ़ा लेना है और हल्का सा नॉइस रिडक्शन को भी बढ़ा लेते हैं। तो हल्का सा और कलर करेक्शन करेंगे हम, तो इसके लिए हम चलते हैं मिक्स में फिर से एंड जो अपना ब्लू कलर है इसकी सैचुरेशन को हम हल्का सा कम करेंगे और लुमिनस को भी हम कम कर लेंगे, और जो ये कलर है इसकी लुमिनस को हम बढ़ा लेते हैं एंड इसके हब को भी हम हल्का सा कम करेंगे एंड सैचुरेशन को भी बढ़ा लेते हैं हल्का सा, तो सही लग रहा है ये। तो फाइनली गाइज हमारी फ़ोटो काफ़ी अच्छी तरीके से एडिट हो चुकी है, तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लायक हमारी फ़ोटो बन चुकी है। तो गाइज मैं आपको इसका बिफोर आफ्टर भी दिखा देता हूँ। तो सिंपली गाइज पहले हमारी फ़ोटो ऐसी थी, कलर ग्रेडिंग करने से पहले आप देख सकते हैं एंड कलर ग्रेडिंग करने के बाद हमारी फ़ोटो ऐसी बन चुकी है, तो काफ़ी अमेजिंग सी टोन हमारी फ़ोटो में आ चुकी है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये फ़ोटो मोबाइल की है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और मोबाइल फोटोग्राफी से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।